कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ फ़िश की होममेड डाइट, और ये डाइट विंटर्स के लिए बेस्ट डाइट है, क्योंकि विंटर्स में हमें अपनी कैट्स की डाइट में फ़िश लाजमी इंक्लूड करनी चाहिए, जो उनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, उनके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छी होती है, कैट्स के हेयर बहुत अच्छे हो जाते हैं, तो इसलिए हमें फ़िश लाजमी इंक्लूड करनी चाहिए। तो अब हम लोग बना रहे हैं फ़िश की होममेड डाइट। उसके लिए हमने दो बड़े पीसेस फ़िश के लिए, तो दो मैंने छोटे साइज़ के आलू लिए हैं और मैंने कैरेट ली है मैंने एक, तो उसको कट कर लिया वॉश करके। और अब एक पैन में ले लिया है पानी, और उसमें अब हम लोग फ़िश, आलू और कैरेट्स को एक साथ डालकर बॉईल कर लेंगे। मैं कैरेट्स को कुक करती हूँ, अगर आप चाहें तो उसको ग्रेट करके लास्ट में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरी कैरेट्स जो हैं वो रॉ कैरेट्स नहीं खाती हैं। ओके, तो फ़िश, पोटैटोज़ और कैरेट्स जो हैं वो बॉईल हो गई हैं और सॉफ्ट भी हो गई हैं, और जो जितना मैंने पानी डाला था वो स्टॉक भी रिड्यूस हो गया है। तो इसको अब हम लोग फ़िश जो है उसमें से कांटे रिमूव कर लेंगे और फिर इन सब चीज़ों को ब्लेंड करेंगे। अगर तो आपकी कैट को फ़िश अच्छी लगती है ना, तो आप उसको जस्ट बॉईल करके उसको थोड़ा सा इसका यही वाला सूप डाल के आप थोड़ा सा ब्लेंड करके दे सकते हैं, कांटे निकाल कर या वैसे ही हाथ से मैश करके दे दें उसको, कैट को खा लेगी वो। लेकिन अगर आपकी कैट को फ़िश ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, तो आप इस तरह से डाइट बना के दे दें। इस तरह से ये होता है कि कैट के अंदर सारी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ जारी होती हैं। और जो लोग कहते हैं ना कि पोटैटोज़ कैट्स के लिए ठीक नहीं है, तो काइंडली प्लीज़ किसी अच्छे वेट से जाके आप कंसल्ट करें, उनसे पूछें, और फिर आके मुझे ना कहें कि पोटैटोज़ ठीक नहीं है कैट्स के लिए। तो ये वाली जो डाइट है ये बहुत हेल्दी है। इसको हम लोगों ने चिकन में भी बना के आपको दिखाया हुआ है, आप इसको बीफ के साथ बना सकते हैं, आप इसको मटन में बना सकते हैं, आप इसको कलेजी जो होती है उसके साथ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फ़िश के कांटे रिमूव करते हैं और फिर मैं वापस आती हूँ। नूर, नूर फिश खाओगी? नूर, 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 ये लो नूर। अच्छा चलो मैं दे देती हूँ, ये लो खाओ। नूर को तो बहुत यमी लग रही है ऐसी। अच्छा, कुछ कैट्स ऐसी होती हैं जिनको फिश अच्छी नहीं भी लगती। अगर आपके पास ऐसी कैट्स है ना जिनको फिश अच्छी नहीं लगती, तो आप इसी डाइट में आप थोड़ा सा ना साथ चिकन भी ऐड कर दें, फिर उनको अच्छी लगेगी। और आगे, अब ये विंटर्स हैं तो विंटर्स में फिश कैट्स के लिए बहुत अच्छी होती है। अब लाजमी अपनी कैट्स को फिश दें। अब स्कूबी की आवाज़ें, स्कूबी दरवाजे को स्क्रैच कर रहे हैं और बाहर आना चाहता है। अच्छा, इससे फ़ायदा ये होता है फ़िश देने से डाइट में, कि कैट्स जो है ना उनकी फ़र बहुत अच्छी होती है, उनकी हेल्थ भी अच्छी रहती है, हेल्दी हो जाती हैं और उनके बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। विंटर्स में आप अपनी कैट्स की डाइट में फ़िश ऑयल भी ऐड करें, आपको जहाँ से आपकी कैट की डाइट वगैरह लेते हैं या किसी भी वेट से आपको मिल जाएगा वो कैट्स के लिए, वो भी कैट्स की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा। जो लोग मुझसे क्वेश्चंस करते हैं ना कि हमारी कैट्स मोटी नहीं हो रही हैं या उनके बाल अच्छे नहीं हो रहे हैं, तो आप कैट्स की विंटर डाइट में आप फ़िश ऑयल भी ऐड करें। और आप चाहें तो आप बोनलेस फ़िश भी ले सकते हैं, और बॉन्स वाली लेनी है तो ये आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी फ़िश यूज़ करें। हम लोग कभी बोनलेस भी दे देते हैं और कभी ये भी दे देते हैं, हमारी कैट्स तो सब कुछ ही खा जाती हैं। नूर, नूर, आपने खा ली है फ़िश? नूर, नूर नीचे से और मांग रही है। ये सारी फ़िश है, इसका हमने कांटे इसके रिमूव कर लिए और इसको मैंने हाथों से ही श्रेड कर लिया, क्योंकि फ़िश तो ऑलरेडी बहुत सॉफ्ट होती है। और अब मैं ब्लेंडर यूज़ नहीं कर रही, मैं चॉपर के अंदर ही कैरेट्स और आलू जो हैं इसको चॉप कर लूँगी। और यखनी जो अभी हम नहीं डालेंगे? हाँ, स्टॉक नहीं डालेंगे, स्टॉक हम लोग एंड में रखेंगे, ताकि अगर ज़रूरत हुई तो फिर ऐड करेंगे, वरना ये डाइट हम बिल्कुल थिक थिक कैट्स को देंगे। कैरेट्स और आलू जो हैं, ये पोटैटोज़, इनको चॉप कर लेते हैं और फिर इनको इस फिश में मिक्स कर देंगे।
हमारे घर में तो सारी कैट्स जो हैं वो बिस्किट्स खा लेती हैं। ये होममेड डाइट जो है ये उनको हम लोग कभी कभी बना कर देते हैं, लेकिन ये स्पेशली हमारे स्कूबी के लिए बनती है। अभी भी ये स्कूबी का डिनर बन रहा है, स्कूबी के बहुत नखरे हैं। आपने ना बिल्कुल ठीक बना के देनी है। ये देखें, ये काफ़ी सारी यखनी बच गई है, ये मैं रख लूँगा और ये मैं किसी दूसरे दूसरी कैट से खिला दूँगा, वैसे ही उनकी डाइट के साथ इसमें मिक्स तो कर। हमें और स्टॉक ऐड करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बिल्कुल ठीक है। आप अगर ये बहुत ज़्यादा लिक्विड देंगे तो उसका पेट भी ख़राब हो जाएगा। और वो फिर कैट इतना शौक से खाती भी नहीं है, कैट ज़रा थिक थिक डाइट लाइक करती है। चलो चलिए जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने होममेड डाइट की क्वांटिटी कितनी देनी है। हमारा स्कूबी जो है वो 2.5 ईयर का है, तो हम ये वाले टेबल स्पून्स जो हैं ये भर के उसको 3 to 4 एक टाइम में दे देते हैं। आप भी उस हिसाब से दे दें। अगर आपकी कैट जो है वो 2-3 ईयर की है तो आप उसको 3 to 4 टेबल स्पून्स दे सकते हैं। डाल दो, ठीक है, इनफ है ये स्कूबी के लिए, इतनी डाइट बिल्कुल इनफ है जी। नूर, और ये नूर है, और नूर को हम लोग 1 टेबल स्पून दे देंगे। नूर के लिए तो इतना ही दफ है ना नूर? नूर को भी देते हैं नूर को 1 टेबल स्पून दे देते हैं। टेबल स्पून ये लो नूर, ये नूर को हमने 1 टेबल स्पून दे दिए, ये नूर खा रही है 1 टेबल स्पून डाइट, इसके लिए इनफ है, क्योंकि फिश वैसे भी हैवी होती है ना। नूर को तो बहुत अच्छा लग रहा है। मिनी, मिनी आपने भी खानी है, मिनी को भी देते हैं। ये हमारी मिनी जिसके बेबीज हुए थे, अभी आपको मैं इसके बेबीज दिखाती हूँ। माशाल्लाह से आईज ओपन हो गई है उनकी। स्कूबी, स्कूबी, फिश डाइट आपके लिए आज बनी है। स्कूबी ऊपर आओ। ये देखिए आप स्कूबी को कितना माशाल्लाह से हेल्दी है, और ये फिश डाइट जो है वो कितने शौक से खा रहा है। पहले भी चिकन डाइट भी हम इसे देते हैं, फिश डाइट भी देते हैं, बीफ डाइट भी देते हैं, सारी डाइट्स हम बना के इसे देते हैं। बड़े शौक से खाता है और इसकी सेहत आप देख लें आपके सामने। स्कूबी को देखें कितना हेल्दी है, कितना ज्यादा। और ये हाँ माशाल्लाह, स्कूबी सिर्फ और सिर्फ होममेड डाइट खाता है। मैंने जो भी वीडियोस आपके साथ शेयर की हुई है वो सब डाइट स्कूबी के लिए ही ज़्यादातर बनती होती है। और ये स्कूबी को फिश डाइट भी देखें कितनी अच्छी लग रही है। ये होममेड डाइट से इतना हेल्दी है, कोई बिस्किट्स तो खाता ही नहीं है स्कूबी। स्कूबी के इतने नखरे हैं, और अब अगर स्कूबी जैसा बच्चा जो है उसको इतनी अच्छी लग सकती है फिश डाइट, तो आपकी कैट्स को भी ज़रूर अच्छी लगेगी। चलें अब मैं आपको दिखाती हूँ मिनी के बेबीज। मिनी ना बहुत जिद करती है कि बेबीज को बेड पे रखो। अब मैं आपको दिखाती हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, मिनी के बेबीज, मिनी के बेबीज आपको उठाकर दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह कितने प्यारे हो गए हैं, सबकी आईज ओपन हो गई हैं। मिनी 1 मिनट बाहर निकलो ना, मुझे वीडियो बनाने दो। मिनी वेट, इसकी अभी एक एक आई जो है वो इसकी हाफ ओपन हुई है, और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, YouTube पे मैंने जब मिनी का डिलीवरी ब्लॉग डाला था, उसके बाद YouTube पे मुझे बहुत मैसेज आए हैं, इवन Instagram पे भी आए हैं कि लोग जो हैं मेरी ये कैट्स या मेरे किटन्स हैं वो परचेज करना चाहते हैं। बेबीज अभी पैदा हुए हैं, किटन्स अभी तो ये बहुत छोटे हैं, इसको मैं सेल करूँगी ज़रूर इन सबको, लेकिन मैं अभी इनको सेल नहीं कर रही। ये थोड़े बड़े हो जाएंगे, 2 मंथ्स के होंगे, तो मैं उसके बाद इनको सेल करूंगी।
अभी मैं इनको सेल नहीं कर रही, अभी तो ये बहुत छोटे से हैं। इनकी मम्मा इनकी सफाई कर रही है। मिनी आप बेबीज को भी नहीं दिखाने दे रही हो। मिनी माशाल्लाह। चलिए जी, आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह आपके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।